मौजूद हैं चौक की मिर्ज़ा मंडी में, जहां पर अभी भी एक दर्दनाक घटना का खुलासा बात सामने आई है। यहां पर एक पीड़ित महिला है खुशबू, उनके तीन साल के बच्चे को निर्मम हत्या कर दी गई। काफ़ी बेदर्दी से उसकी हत्या की गई है। अब उस पीड़ित जो महिला है उनकी बच्चे की माँ है, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से उनके साथ ये घटना हुई है और उसमें किसको वो अपना जो आरोपी है वो किसको मानती है उसमें, और पूरी बातें वो उनसे हम जानना चाहेंगे किस तरह से ये घटना हुई है आगे, ताकि और जो लोग हैं उनको जो है सज़ा मिल सके। क्या नाम है आपका? खुशबू। जी, घटना कहाँ पे हुई है, आप कहाँ पे थे उस वक्त? बच्चा मेरा मायके में था जी, और हमारे के हम बहन के यहाँ गए थे हम अपना शादी में सफ़ीर शरीफ होने के लिए, अपना 3 दिन पहले हम चले गए थे। बच्चा लेकिन मेरी मम्मी के पास रहता ज़्यादातर जी, तो हमारे के भांजे लोग कहीं मौसी वहाँ पे शादी है अपना, तुम भी चलो अपना वहाँ पे। तो हमने कहा ठीक है, भैया को भी लिया, भैया भी इन्जॉय करेगा क्योंकि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे ज़्यादा वो करते हैं। तो ये आया अपना भैया को लेने के लिए आया, भैया को ले गया 7:30 बजे यहाँ से ले गया। कौन ले गया? भांजा मेरा अतुल अपना। फिर बाद में क्या हुआ, फिर बाद में उसको हमने कहा अतुल तुम भी नहा लो, भैया को भी नहला, तो चलो तैयार हुआ जाए अपना। तो ये अपना तैयार हुआ, धीरे धीरे हमने उसको कपड़े पहनाए अपना, भैया नहा के आया अपना 1.5 घंटे बाद अपना नहा, धीरे धीरे अपना वो दोनों जने नहाए भाई भाई अपना। फिर बाद में नहाने के बाद आया अपना, फिर बाद में उसको पाउडर वाउडर लगाया, नहलाया धुलाया अपना, फिर बाद में उसको कपड़े पहनाए अपने और कपड़े पहनाने के बाद फिर बाद में हम तैयार होने गए। 9 बजे हम यहाँ से हम अपना सीधा वहाँ पार्टी में गए। 9 बजे नौ पर आप गई थी शादी में? कहाँ पर गई थी, किस कौन सा वो बता रहे? ठाकुरगंज गड़ी पीर खां राजा का खेत अपना। तो वहाँ पे हम शरीफ होने शादी में गए थे अपनी फ्रेंड की। तो फिर बाद में वो जब बच्चा इंजॉय कर रहा था वहाँ पे, स्टेज पे जा रहा था, स्टेज के सामने मेरी सीट पड़ी थी, मेरी भांजी मेरे हम थे, मेरी भांजी थी बगल में और कुछ बच्चियाँ और थी मेरे साथ ही में थे, मतलब मेरे बच्चे को देखे हुए थी। वो खाली स्टेज पे जा रहा, जहाँ गाने चले तो वहाँ डांस कर रहा था वहाँ पे, और डांस करते करते वो मेरे पास आ रहा था बेर। फिर बाद में मम्मी जाए, हमने कहा ठीक है जाओ अपना, फिर जाता ना अपना। फिर 11:30 बजे जैसे ही जयमाल का वक्त हुआ है, लड़की आई है जयमाल डालने के वजह आई है अपना, उस समय ज़्यादा कुछ भीड़ हो जाती है, तो हमने उसको बुलाने की कोशिश की, तो बेर जा रहा था। हमने कहा ठीक है कोई भीड़ है भीड़ में तो कोई भी अपना, तो वहाँ पे भीड़ थे अपना, वहाँ पे बच्चा तब तक दिख रहा था जब तक दूल्हे को पर माला पड़ा है तब तक बच्चा मेरा वहाँ पे था। जैसे दुल्हन को पर माला पड़ा है, फिर हमने कहा सब लोग आ रही बिटिया भीड़ हो गई, जैसे ही सब लोग उतरेंगे भैया पहले उतार लो अपना, तुरंत ही देखने के लगा तब से मेरा भैया नहीं नजर आया अपना, तुरंत ही गायब। और तब जब हम पूरी रात ढूंढा, जब से गायब हुआ पूरी रात ढूंढा, पूरी एक एक गली वहाँ की छान मारी, और जो जितना बड़ा खेत था पूरा गांव ग्राउंड जितना बड़ा था पूरा वहाँ से पूरा वहाँ तक देखा, हलवाई तक के हमने पूछा, ऐसा नहीं ऐसा मेरा बच्चा कपड़ा पहने हैं नीले कलर का आपने कहीं देखा? तो हलवाई ने कहा नहीं दीदी यहाँ पे बच्चा नहीं आया, उधर देखिए आप खेल रहा होगा। किस ससुराल है आपकी? उदयगंज की ससुराल है मेरी अपना, उदयगंज गर्नी खकाहता। आपको कब पता चला कि आपके बच्चे की हत्या हुई, आपको कैसे सोचते, किसने बताया आपको, कहाँ? हम सर हम सोए नहीं थे, हम रात भर जग रहे थे अपनी औलाद को हम बेर देख रहे थे, कम से कम 5 घंटे तो हमने हमारे भाइयों ने मेरे जीजा ने मेरे जो मेरा दूसरा लड़का है बड़ा वाला मेरी बहन का लड़का है वो अपना ढूंढना था, मौसी नहीं दिखा अपना। हम लोग फिर गाड़ी लेके हमने भाई लोगों के साथ में गाड़ी लेके पूरा थाना यहाँ पे पहले सूचित किया ठाकुरगंज थाने में, ठाकुरगंज थाने के बाद में फिर हम जब यहाँ पे हो गया फिर बाद में उसको हेरते फिर हम वहाँ पे गए, कौन सा थाना रिंकू लगता है शायद लगता, फिर हम वहाँ पे गए कि क्या पता कोई पकड़ ढूंढी सोने पकड़ हाथ में आ गया होगा तो अपना ढूंढी सोगा लड़के को, तो वहाँ थाने दे गया, तो वहाँ पे गए तो वो इंस्पेक्टर बोला अच्छा किया यहाँ पे भी आ गई। फिर वहाँ से हम लोग एक गाड़ी इधर, इनके दो भाई जीजा गाड़ी इधर गई, हम भाई से कहा हमने कहा रिंकू भाई तुम इधर से चलो, तो एक इधर से गया एक इधर से आया, हम लोग इधर से आए पूरा खेत, फिर जिस रास्ते में हमारी बच्चे की लाश मिली है उसी रास्ते से हम लोग देखते हुए पूरा गाड़ी से हम उतर गए थे अपना देखते हुए, वही राजा खेती में मिली है अपना। तो बच्चा मेरा उल्टा हुआ था, किस पे शक है, क्या किस तरह से घटना हुई, मेरा पूरा शक मेरी जिठानी पे है, मेरी सास पे है, पूरे मेरे ससुराल वाले मेरे देवर, क्योंकि मेरा 5 साल का बच्चा मेरे पेट के अंदर 2 साल पहले ही मेरे पेट के अंदर हाथ मार दिया था, मेरे देवर ने ख़त्म कर दिया था उस चीज़ की। पहले जब हमने दूसरे दिन अपना वो किया मूवमेंट कर नहीं रहा था बच्चा मेरा अपना, तो हम अपने ससुराल वाले से कहा बच्चा मेरा मूवमेंट नहीं कर रहा है, बच्चा मेरा मूवमेंट नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन उन लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि बच्चा क्यों नहीं मूवमेंट कर रहा है। आपके पति का क्या नाम है? फिर बाद में मेरे पति का संतोष नाम है। फिर बाद में क्या हुआ, 15 दिन के
15 दिन हो गया अपना, धीरे 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 मेरे दिन भर हम खाते पीते थे, रात में मेरी उल्टी हो जाती थी अपना। दिन भर हम खाते पीते थे, काम करते थे, वहाँ पर रात में मेरी उल्टी, पूरे शरीर से सब कुछ निकल जाता, तब हमको नींद आती थी अपना। फिर बाद में ऐसा ऐसा होते होते, इसकी क्या कोई खास वजह है, क्यों आपसे वो लोग जो ससुराल वाले हैं आपसे क्यों इस तरह से नाराज है, या आपके साथ जो जो इस तरह से बर्बरता करते हैं? मेरा मेरे आदमी का संबंध मेरी जेठानी के साथ है। अब वो विधवा, ये दूसरा साल चल रहा मेरे जेठ को ख़त्म हुए, अब वो चाहती है शादी करना इनसे, मतलब इनको तलाक दो, मतलब हमको कह रही हम छोड़ दें उनको और ये अपना शादी कर लें। और इसी वजह से उस दिन हमको, अभी ये तीसरा महीना चल रहा, 2 महीने पहले हमको मारा पीटा है, गला दबा के और भगा दिया हमको। भगाया क्या है, मतलब मार पीट रहे थे अंदरी वाले, मेरे भांजे लोग आए थे, 2 बजे आए थे, फिर बाद में मारपीट शुरू हुई, तो मारपीट देखते हुए उनको देखते हुए ये डायरेक्टरी यहाँ आ गए। नए साल पे वो गए थे हमसे मिलने के लिए, हमसे क्या, मेरे बच्चे से मिलने के लिए गए थे अपना। फिर बाद में क्या हुआ, फिर जब यहाँ आए तो वो लोग अपनी मम्मी को पता ही ना, मम्मी इनकी यहाँ आई है अपना। फिर मेरे भाई 7 बजे हमको यहाँ ले, वहाँ से हुसैनगंज थाने में लेके आया है अपना, हुसैनगंज थाने से हम लिखा पढ़ी से अपना ऐसे ही आ गए, एक जोड़ी कपड़े में, जैसे ही उन्होंने भगाया वैसे ही हम आ गए अपना। पुलिस से आपने शिकायत की, FIR आपकी दर्ज हो गई है? जी हाँ, मेरा मुकदमा चल रहा है इस चीज़ का। लेकिन आपने अपने पति के नामजद FIR दर्ज कराई है? अभी कोई नहीं है, रिस्टिंग आ रहा है अभी किसी तरह से। आपने थाने में शिकायत की आपकी, आपको FIR की कॉपी आपको मिली अभी? हमने FIR भी की है, हुसैनगंज थाने में लिखा पढ़ी से आए थे, हुसैनगंज थाने से सीधा यहाँ पे चौक कुतवाली में आए थे, चौक कुतवाली के बाद में एप्लीकेशन जो अपना। पुलिस का क्या कहना है, पुलिस से आपने जब ये घटना बताई पुलिस के पास जो आप उसके बाद गई थी, पुलिस का क्या कहना है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की अब तक? वो पुलिस चाह रही है कि कुछ दिन देख लो, लड़की फिर जाएगी वहाँ पे। पुलिस ये सोच रही है कि इतना कांड देखने के बाद मेरी दूसरे दिन वहाँ, दूसरे या तीसरे दिन हमारे क्या गोलागंज में सब हुआ था, मेडिकल भी हुआ था, चाहे जिस चीज़ का भी हुआ हो, क्योंकि हमने ये चीज़ बताई थी कि हमारे जब भी मारते ये यो करके मारते, तो हमको चक्कर आता है, यहाँ से यहाँ तक मेरी एकदम बेहोश हो जाते हम थोड़ी देर के लिए अपना। अभी हमको कुछ नहीं, उसमें पुलिस ने FIR दर्ज की नहीं की है ये बता दीजिए। नहीं, उसमें तो की है, उसमें की है, FIR की है। आपके बयान हुए, पुलिस ने आपसे कुछ पूछताछ की, कोई बयान लिया आपकी पुलिस ने? नहीं, अभी नहीं लिया कुछ। अभी ये किया है कि हम इतने नहीं, इतने घंटे में हम पकड़ेंगे अपना। ठीक, बच्चे का नाम एक बार बता दिए। ऋषभ कश्यप। मामला काफ़ी संगीन नज़र आ रहा है, ये पीड़ित महिला है जो कि काफ़ी परेशान है, ये घटना काफ़ी शर्मनाक है, अफसोसनाक घटना है कि लखनऊ जैसे राजधानी में इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं, और कहीं ना कहीं रिश्तों के अंदर ये बातें सामने आने की, एक पिता पे से संगीन आरोप लग रहे हैं, इन महिला ने अपने पति पर साफ तौर पर आरोप लगाया, अपने ससुराल वालों पर, अपनी जिठानी पर जो है संगीन आरोप लगाए कि उन्होंने जो है हमारे बच्चे की हत्या की है, और उन्होंने उसके नाम से नामजद FIR भी दर्ज कराई है उसके नाम। अब मामला ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस के क्या उसमें भूमिका रहती है, पुलिस क्या किस हद तक कितनी जल्दी इस पर कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन शाहरुख खान के साथ जाहिद अली की रिपोर्ट, प्रेस मैन न्यूज़, लखनऊ।